आज हम टेलनेट और एनवीटी का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल नेटवर्क और एनवीटी का फुल फॉर्म होता है, अभी नहीं बताऊंगा मैं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू टेलनेट, सबसे पहले तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है, व्हाट इज लोकल लॉगिन एंड व्हाट इज रिमोट लॉगिन। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज लोकल लॉगिन। नाउ व्हेन इट कम्स टू लोकल लॉगिन, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक डिवाइस है। अब ये डिवाइस कोई भी हो सकता है, वो एक कंप्यूटर हो सकता है, वो एक लैपटॉप हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वो एक कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर को कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे फॉर द ईज ऑफ कम्युनिकेशन। तो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, और ये भी मान लेते हैं कि उस कंप्यूटर का इंटरनेट ऑफ है। इस केस में क्या तुम उस कंप्यूटर के अंदर जो वीडियोस तुमने डाउनलोड करके रखे हैं उन वीडियोस को खोल के देख सकते हो? एंड द आंसर इज यस, तुम देख सकते हो। फिर से एक बार करते हैं, तुम्हारे पास कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर का इंटरनेट ऑफ है, तो इस केस में क्या तुम उस कंप्यूटर के अंदर जो पीडीएफ फाइल्स, जो ऑडियो फाइल्स तुमने डाउनलोड करके रखे हैं उन पीडीएफ फाइल्स को, उन ऑडियो फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो? एंड आंसर इज यस, तुम कर सकते हो। तो जो भी ऐसी एक्टिविटीज है जो तुम एक कंप्यूटर के अंदर करते हो, तब जब उस कंप्यूटर का इंटरनेट ऑफ होता है, उन एक्टिविटीज को करने के पीछे लोकल लॉगिन का हाथ है, उन एक्टिविटीज को करने के पीछे लोकल लॉगिन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब ये प्रोसेस होता कैसे है वो समझते हैं। जब तुम्हें कोई भी एक्टिविटी करनी होती है तो कंप्यूटर के भाषा में हम ये कहते हैं कि तब एक रिक्वेस्ट सेंड होती है। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो जाती है टर्मिनल ड्राइवर के पास, और फिर जब वो रिक्वेस्ट टर्मिनल ड्राइवर को मिलती है तब ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करता है, और फिर जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर को इन्वोक करना था या जो भी एक्टिविटी यूजर को इन्वोक करनी थी वो एप्लीकेशन प्रोग्राम या वो एक्टिविटी इन्वोक हो जाती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब तुम्हारे डिवाइस का इंटरनेट ऑफ है और तुम्हारे डिवाइस का इंटरनेट ऑफ होते हुए जो उस डिवाइस के अंदर एक्टिविटीज तुम करते हो उन एक्टिविटीज को करने के पीछे लोकल लॉगिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लोकल लॉगिन समझ गए, अब हम जंप करते हैं रिमोट लॉगिन के ऊपर। अब रिमोट लॉगिन के ऊपर जंप करने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी समझने की जरूरत है, हम अभी भी लोकल लॉगिन के ऊपर ही है। सबसे पहले कहानी समझ लो। तुम सब लोग को ये पता है कि इस चैनल के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ इंक्लूडिंग दिस सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मैंने बना के रखे हैं, और वो नोट्स मेरे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, राइट। अब मान लेते हैं कि तुम्हें उस वेबसाइट के ऊपर जाना है और मेरे नोट्स परचेस करने हैं, बट तुम्हारे डिवाइस का तो इंटरनेट ऑफ है, तो क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुम ये एक्टिविटी को अंजाम दे पाओगे? एंड आंसर इज नो, तुम्हारे डिवाइस का इंटरनेट तो ऑफ है, तुम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें उस वेबसाइट के ऊपर जाना है, अगर तुम्हें उन नोट्स को परचेस करना है, तो तुम्हें अपने डिवाइस का इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी ऐसे एक्टिविटीज है जिन एक्टिविटीज को करने के लिए तुम्हें तुम्हारे डिवाइस का इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा, और तभी ही तुम उन एक्टिविटीज को कर सकते हो, उन एक्टिविटीज को करने के पीछे रिमोट लॉगिन का हाथ है, या उन एक्टिविटीज को करने के पीछे रिमोट लॉगिन इज रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब हम ये समझते हैं कि जो वैसी वाली एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज रिमोट लॉगिन के हेल्प से कैसे होती है। ओके, तो मान लेते हैं कि तुम्हें एक एक्टिविटी करनी है। अब कंप्यूटर के भाषा में जब तुम्हें कोई एक्टिविटी करनी है तो रिक्वेस्ट सेंड होती है। अब ये रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी टर्मिनल ड्राइवर के पास। अब जब टर्मिनल ड्राइवर को ये रिक्वेस्ट मिलेगी, टर्मिनल ड्राइवर उस रिक्वेस्ट को सेंड करेगा टेलनेट क्लाइंट के पास। अब यहां पे तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है। रिक्वेस्ट का मतलब कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जो टेलनेट क्लाइंट है, टेलनेट क्लाइंट उस रिक्वेस्ट को कन्वर्ट करेगा इनटू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट। क्यों, वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, ये तुम लोग को तब पता चलेगा जब हम एनवीटी पढ़ेंगे तब। ओके,
तो टेलनेट क्लाइंट क्या करेगा, टेलनेट क्लाइंट उस रिक्वेस्ट को कन्वर्ट करेगा इनटू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट। ओके, और फिर वो जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक के पास। इसको तुम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक कह सकते हो। एंड देन यहां से वो थ्रू इंटरनेट होकर जाएगी रिसीवर साइड के टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक के पास, और फिर रिसीवर साइड के टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक से होकर वो रिक्वेस्ट पहुंचेगी टेलनेट सर्वर के पास, रिसीवर साइड के टेलनेट सर्वर के पास। रिसीवर साइड का टेलनेट सर्वर जो है वो उस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट को कन्वर्ट करेगा इनटू लोकली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट में। क्यों वो बाद में पता चलेगा, तब पता चलेगा जब हम एनवीटी पढ़ेंगे तब। और फिर रिक्वेस्ट वहां से जाएगी सूडो टर्मिनल ड्राइवर के पास। जैसे क्लाइंट साइड का टर्मिनल ड्राइवर होता है, वैसे रिसीवर साइड का होता है सूडो टर्मिनल ड्राइवर। और फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करेगा, और जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लाइंट इन्वोक करना चाहता था या बेसिकली यूजर इन्वोक करना चाहता था वो एप्लीकेशन प्रोग्राम इन्वोक हो जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि एनवीटी का मतलब क्या होता है। अब मैं तुम लोग को एनवीटी का फुल फॉर्म भी बताऊंगा। एनवीटी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अब मैं जो भी बोलूंगा वो समझना एक अलग बात है और एग्जाम में लिखना एक अलग बात है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में इस चीज को लिखना पड़ता है। अब एनवीटी के डायग्राम के बारे में सबसे पहले समझते हैं। अगर तुमने इस डायग्राम में से टर्मिनल, ये टर्मिनल है बाय द वे, टर्मिनल, टेलनेट क्लाइंट, इंटरनेट, टेलनेट सर्वर और सूडो टर्मिनल ड्राइवर, इन पांचों चीजों को छोड़कर बाकी सारी की सारी चीजें निकाल दी, तो हमारा एनवीटी का डायग्राम बनता है। एनवीटी क्या है? एनवीटी इसी डायग्राम का पार्ट है, बट एनवीटी तुम्हें ये बताता है कि क्यों यहाँ पे टेलनेट क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट उसको मिली थी उस रिक्वेस्ट को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट किया था, और क्यों टेलनेट सर्वर ने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट को लोकली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट किया था। ठीक है, ये तुम्हें अभी तक समझने की जरूरत है एनवीटी शुरू करने से पहले। अब हम एनवीटी शुरू करते हैं, एनवीटी को समझना शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखो, जो क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड में ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो रिसीवर साइड है, रिसीवर साइड में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्लाइंट साइड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और रिसीवर साइड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग है। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक डिवाइस है जिसके अंदर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और मेरे पास दूसरा डिवाइस है जिसके अंदर है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एक टास्क परफॉर्म करनी है, मान लेते हैं मुझे कॉपी पेस्ट करना है। अगर मुझे विंडोज में कॉपी पेस्ट करना है तो मैं क्या दबाऊंगा, मुझे क्या दबाने की जरूरत है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। बट सेम टास्क अगर मुझे मैक ओएस में करनी है तो वो टास्क कंट्रोल सी कंट्रोल वी से नहीं होगा, वो टास्क परफॉर्म होगा कमांड सी एंड कमांड वी से। क्या तुम देख पा रहे हो, सेम टास्क करने के लिए अलग अलग ओएस में मुझे अलग अलग एक्शंस करनी पड़ रही है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये एक प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम ए को ऑपरेटिंग सिस्टम बी से कॉपी पेस्ट कराना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ए वुड बी लाइक, ओ ऑपरेटिंग सिस्टम बी तू ना कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबा जिससे कॉपी पेस्ट होगा। बट ऑपरेटिंग सिस्टम बी वुड बी लाइक, यार कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाने से तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता, या कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाने से तो हमारे यहाँ पे कुछ और ही होता है, तो हम कॉपी पेस्ट कैसे करें, या व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो इसे भी समझे इसे भी समझे। इसी चीज को कहते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट, मतलब एनवीटी। अब जो एनवीटी का खुद का डायग्राम है उस डायग्राम को मैं तुम्हें समझाता हूँ, जिससे तुम्हें यह पता चलेगा कि जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को एनवीटी कैसे सॉल्व करता है। ओके, अब ध्यान से देखो, टर्मिनल से रिक्वेस्ट निकलता है और वो रिक्वेस्ट पहुंचता है टेलनेट क्लाइंट के पास। टेलनेट क्लाइंट तक वो रिक्वेस्ट पहुंचने से पहले वो रिक्वेस्ट होता है एक लोकली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट। ठीक है, लोकली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट मतलब वो जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट बस यहां पे एक्सेप्टेड है, यहां पे ही
उस रिक्वेस्ट को समझा जा सकता है। जब वो रिक्वेस्ट टेलनेट क्लाइंट के पास पहुंचती है, टेलनेट क्लाइंट उस रिक्वेस्ट को कन्वर्ट करता है इनटू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट। अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट मतलब हर कोई उसको एक्सेप्ट कर सकता है, हर कोई उसको समझ सकता है, उसको टेलनेट क्लाइंट भी समझ सकता है, उसको टेलनेट सर्वर भी समझ सकता है, ठीक है। फिर वो रिक्वेस्ट ट्रैवल करती है थ्रू इंटरनेट टू टेलनेट सर्वर। टेलनेट सर्वर उस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट को कन्वर्ट करता है इनटू लोकली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट। मतलब बेसिकली एक ऐसी चीज जो यहाँ पे एक्सेप्टेड है, जो यहाँ पे समझी जा सकती है। और फिर वो जो लोकली एक्सेप्टेड कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट हुई हुई रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट पहुंचती है तो सुडो टर्मिनल ड्राइवर। और फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करता है, और जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर इनिशिएट करना चाहता था या इन्वोक करना चाहता था, इन्वोक इज द राइट वर्ड, इन्वोक इज द राइट वर्ड, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम इन्वोक हो जाता है।